पठान एंड जवान 2023 में 2000 करोड़ की फिल्में देने के बाद सब शाहरुख खान की हैट्रिक की तैयारी कर रहे थे, पर क्या डंकी बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल कर पाई। बॉलीवुड का ड्रीम कोलैब शाहरुख खान एंड राजकुमार हिरानी दोनों के साथ में आने से सबने सोचा था कि अब तो बॉक्स ऑफिस नंबर्स आसमान छू जाएंगे, क्योंकि शाहरुख खान की इस साल की दोनों ही फिल्में नंबर वन पर रही हैं, ग्रैंड ओपनिंग एंड 1000 करोड़ प्लस का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। लेकिन क्योंकि डंकी के साथ क्लैश कर रही है सालार, तो क्या ये हैट्रिक वाला सपना पूरा होगा? मुझे कमेंट करके बताएं। और क्या रहा डंकी का ओपनिंग डे कलेक्शन, दैट आई विल टेल यू इन दिस वीडियो। शाहरुख खान एंड तापसी पन्नू स्टारर डंकी रिलीज हो गई है एंड लोगों के इस फिल्म को लेकर मिक्स्ड रिव्यूज हैं। कुछ लोगों को इसकी स्टोरी लाइन, इसकी मैसेजिंग काफी ज्यादा पसंद आई है और कुछ लोगों को लग रहा है कि इट वाज नॉट एसआरकेज एंड हिरानीज बेस्ट फिल्म। कुछ को लग रहा है कि मास और एक्शन फिल्मों से हटकर ये काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग स्टोरी है, तो कुछ को लगा कि कहानी में उतनी डेप्थ नहीं थी। ऐसे आपको डंकी को देखकर क्या लगा? वहाँ अंग्रेजों के बीच कैसे रहेगा, ये नहीं रह रहा पंजाब में। डंकी का ओपनिंग डे कलेक्शन शाहरुख खान की दोनों लास्ट रिलीज से काफी ज्यादा कम रहा है। अपने ओपनिंग डे पर डंकी ने टोटल 30 करोड़ का कलेक्शन किया है, जबकि पठान का ओपनिंग डे कलेक्शन 53 करोड़ था एंड जवान का ओपनिंग डे कलेक्शन था 75 करोड़ इन ऑल लैंग्वेजेस, जो कि अब तक सबसे ज्यादा रहा है। और ओपनिंग डे ही इतना फीका रहा है, जबकि सालार के साथ क्लैश के बाद अब क्या कुछ चेंज होगा ये देखना है, क्योंकि सालार पैन इंडिया रिलीज हो रही है और क्योंकि ये एक मास मसाला एक्शन फिल्म है, तो इसके साथ टक्कर थोड़ा तो टफ कॉम्पिटिशन देने वाली है डंकी को। लेकिन एक बात जो शायद कम लोगों ने ही नोटिस की होगी कि डंकी का मेकिंग बजट सालार से काफी कम है। डंकी का मेकिंग बजट है 120 करोड़, जबकि सालार का मेकिंग बजट है 300 से 400 करोड़ के आसपास। तो ऐसे में डंकी के 30 करोड़ और सालार के 60 करोड़ भी ना बराबर ही होंगे इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। देखो, मुझे तो डंकी देखने के बाद यही लगा कि आप थोड़ा हंसेंगे, थोड़ा इमोशनल होंगे, सॉन्ग सुन के फील गुड वाली वाइब मिलेगी। लेकिन यहाँ इस फिल्म में शाहरुख खान ही नहीं है जो आपका दिल जीतेंगे, क्योंकि विकी कौशल का कैरेक्टर, जिसका स्क्रीन टाइम भी उतना नहीं है, वो काफी अच्छा इंप्रेशन छोड़ जाएगा आपके ऊपर। एंड स्पेशली जो लोग आउट ऑफ इंडिया रहते हैं या फिर हाल ही में सेटल हुए हैं, उनको ये फिल्म काफी जगह रिलेटेबल लगेगी एंड हिट भी करेगी। बाकी फैमिली के साथ भी इस फिल्म को आप आराम से देख सकते हो। तो जी, मेरे लिए तो हो गई मेरी वो गर्ल वाली फ्रेंड। खैर देखो, ये तो हो गई बॉक्स ऑफिस नंबर्स एंड फिल्म की बात, लेकिन अगर एसआरके की इस साल की फिल्मों की बात करें तो दो मास एंटरटेनर देने के बाद शाहरुख खान का एक इस तरह की फिल्म करना, वो भी ऐसे टाइम में जब उनको लोग एज एक्शन हीरो काफी पसंद कर रहे हैं, कितना सही डिसीजन है। एंड क्या डंकी शाहरुख खान की 3000 करोड़ की हैट्रिक करवा पाएगी? मुझे कमेंट करके बताएं। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है व्हाट्सअप साक्षी। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। आप देख रहे थे अनकट।